हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज के इस वीडियो के माध्यम से पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग का कंप्लीट डिटेल्स आज के इस वीडियो में बताएंगे। क्या क्या इंस्पेक्शन अपने को करना रहता है पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग में, ये आपको बताएंगे। तो सामने ये जो है थिक वेब स्विच है, और सबसे पहला इसमें जो चेक करते हैं ये ओपनिंग चेक करते हैं। तो ये क्या है, ओपनिंग थ्रो ऑफ स्विच इसको बोलते हैं। ये 157 प्लस माइनस 3 होता है, तो इस बीच में लाइक कर रहा है कि नहीं ये अपन चेक करते हैं। इसके अलावा दूसरा चेक ये करते हैं कि SSD वगैरह जो है प्रॉपर है कि नहीं। ये सामने में जो दिख रहा है ये SSD है, स्प्रिंग सेटिंग डिवाइस, और इसमें जो है प्रॉपर है कि नहीं, इसका जो फोर्स वगैरह जब डेवलप होता है, टंग रेल प्रॉपर ढंग से स्टॉक रेल में सेट वगैरह हो रहा है कि नहीं, वो अपन पॉइंट चला के जो है ऑपरेट करके चेक करते हैं। इसके अलावा जो है अगला जो आता है अपन हील डाइवर्जेंस। तो ये जो है हील डाइवर्जेंस 175 mm है कि नहीं, ये चेक करते हैं अपन। जैसे ये स्टॉक रेल का गेज फेस जो है, यहाँ से यहाँ तक चेक करते हैं कि ये 175 mm है कि नहीं हील डाइवर्जेंस। तो इसके अलावा फिर अपन चेक करते हैं हील डाइवर्जेंस के बाद अपन चेक करते हैं जैसे गेज एंड क्रॉस लेवल। तो टर्न आउट वगैरह को लिया ही जाता है मेन लाइन और टर्न आउट का स्टेशन वाइज। और इसके अलावा अपन आगे चेक करते हैं क्रॉसिंग वगैरह का। तो सामने जो है आपको दिख रहा है ये एक क्रॉसिंग का लोकेशन है। तो इस क्रॉसिंग में अपन चेक करते हैं, इसमें जो है पैरामीटर लिया जाता है। जैसे हमारा जो है ये सामने में जो क्रॉसिंग दिख रहा है इसको हम लोग ANC बोलते हैं, एक्चुअल नोज ऑफ क्रॉसिंग। इसको जो है ANC बोलते हैं, और इसको जो एक्सटेंड किया रहता है इसको थ्योरेटिकल नोज ऑफ क्रॉसिंग बोलते हैं। तो इसमें जो है इसका जो है ANC से जो है 150 mm के बीच में जो है बैक जो है 150 mm, यहाँ पे जो है अपन गेज और क्रॉस लेवल चेक करते हैं। इसके बाद जो है ANC से जो है एक्चुअल नोज ऑफ क्रॉसिंग से 1 मीटर आगे और 1 मीटर पीछे जो है गेज क्रॉस लेवल वगैरह चेक करते हैं। इसके बाद ये विंग रेल है, जैसे राइट विंग रेल और लेफ्ट विंग रेल इसको बोलते हैं। एक ये राइट होगा, ये लेफ्ट होगा, इस तरीके से विंग रेल का भी देखते हैं। उसके बाद क्रॉसिंग का जो है वेयर वगैरह भी यहाँ पे चेक किया जाता है कि वेयर जो है परमिशेबल लिमिट में है कि नहीं। इसके बाद इसके जस्ट एडजेसेंट में जो है चेक रेल लगा रहता है। चेक रेल भी ये जो हमारा जो एक्चुअल नोज ऑफ क्रॉसिंग जो होता है इसी के सामने सामने लगा रहता है एक्चुअली। तो यहाँ पे सबसे पहले देखना रहता है कि ये जो चेक रेल है ये हमारा क्लियरेंस जो है 41 से 45 mm के बीच में है कि नहीं, ये अपने को चेक करना रहता है। और तो क्रॉसिंग में ये देखना रहता है कि हमारा जो है 41 से 45 mm के बीच में ये लाई कर रहा है कि नहीं। अगर नहीं लाई कर रहा है तो उस केस में क्या है, अपने को अगर घटाना बढ़ाना है तो उस केस में अपन उसको सही करते हैं। ये जो गुटका लगा रहता है ब्लॉक, इसको इसमें वाशर वगैरह लगा के, तो जैसे अपने को जैसे बढ़ाना है तो वाशर एक दो लगा देगा तो अपने आप वो क्लियरेंस बढ़ जाएगा। फिर अगर घटाना है तो वाशर हटा के अपन कर सकते हैं वो डिस्टेंस ब्लॉक में। उसके बाद ये फ्लेयर एंड कहलाता है, जो लास्ट एंड होता है। तो यहाँ पे जो है ये 65 mm के अराउंड रहता है फ्लेयर एंड में। तो यही सारा डिटेल जो है अपने को पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग में इंस्पेक्शन के दौरान फिलअप किया जाता है। तो यही सारा डिटेल है। आशा करते हैं इस वीडियो के माध्यम से आपको पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग का जो है कंप्लीट डिटेल्स जो है समझ में आया होगा। अगर आपको ये चैनल अगर अच्छा लगता है तो जरूर लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।